शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लांट इतना ओवररेटेड है जितना कि रोज़ प्लांट है इस दुनिया में। मुझे अपनी छत पर रोज़ प्लांट लगाना इसलिए पसंद है क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, जो कि मेरे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज प्लांट की बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में, पर दो तरह के रोज प्लांट होते हैं। एक होते हैं इंडियन, जिसे हम देशी रोज कहते हैं, और दूसरे होते हैं इंग्लिश रोज, जिसे हम विदेशी रोज कहते हैं। ये दोनों ही रोज गर्मियों में फ्लावर देना बंद कर देते हैं। अगर आप इनकी गर्मियों में अच्छे से केयर करते हैं तो ये इनका जो फ्लावरिंग सीजन है सर्दियां विंटर उनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। मैं आज जो भी आपको टिप्स देने वाला हूँ वो दोनों के लिए ही काम करती है। रोज प्लांट की हेल्थ उनकी पत्तियों से दिखाई देती है, तो पहली इंपॉर्टेंट टिप्स है कि जो डेड लीव्स है उन्हें आप काट लीजिए और नीचे की जो ब्रांचेस है उनकी प्रूनिंग कर दीजिए कि उनमें फंगस नहीं लगे जब भी वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आए। गुलाब की पत्तियां आपको उनकी पानी की सिचुएशन को भी समझने में मदद करती है, खासतौर में गर्मियों में। गर्मियों के टाइम पर आप प्लांट में फ्रीक्वेंटली पानी दीजिए जब भी सॉइल की टॉप लेयर ड्राई हो जाए। आप दिन में एक बार पानी दीजिए और कोशिश करिए कि मॉर्निंग में ही पानी दें, क्योंकि सूरज ढलने से पहले प्लांट पानी के तनाव का सामना कर सकता है। जब भी आप शाम को पानी देते हैं तो जो रूट से प्लांट्स की वो रात भर गीली रहती है और उनमें फंगल ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन है रोज प्लांट में। और आप जब भी पानी दे तो प्लांट में तो कभी भी हाइट से ना दे, जिससे कि उनकी रूट्स को नुकसान ना पहुंचे। गमले में थोड़ी सी जगह बनाकर रखें सॉइल के ऊपर, जिससे जब भी पानी दे तो वो पानी टिका रहे और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एक्स्ट्रा जगह है, ये आपको हेल्प करेगी जब भी आप फर्टिलाइजर कंपोस्ट ऐड करें। आप गर्मियों में भी फर्टिलाइजर देना बंद ना करें जब वो फ्लावर नहीं देता, ये लीव्स को हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा आपको होममेड कंपोस्ट, जो कि धीरे धीरे न्यूट्रिशन रिलीज करता है, जो कि बनता है किचन वेस्ट से, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। आप इसमें नारियल के छिलकों का बुरादा, जिसे कोको पीस्ट भी कहते हैं, वो भी मिला सकते हैं, जिससे कि सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है। अब सबसे जरूरी बात, सनलाइट। गर्मियों में आप रोज प्लांट को डायरेक्ट सन में नहीं रखें, आप उन्हें ऐसी जगह रखें जहां उन्हें फिल्टर्ड सनलाइट और कम इंटेंस सनलाइट मिले। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट हार्मफुल होती है किसी भी पौधे के लिए, तो उन्हें ऐसी प्लेस पर रखें जहां उन्हें इवनिंग सनलाइट मिले। लास्टली, आप अच्छे से चेक करिए कि आपके प्लांट में इंसेक्ट, फंगस या किसी टाइप की डिसीज तो नहीं लगी है। नीचे से डेड लीव्स को हटा दें और आपके प्लांट में अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे करिए। अगर आपको आपके प्लांट में किसी भी तरह की डिसीज नहीं भी दिखती है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीम ऑयल का स्प्रे करने के लिए महीने में एक बार या डेढ़ महीने में एक बार, जिससे कि फ्यूचर में भी आपके प्लांट में कोई भी डिसीज ना लगे और आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहे। नीम ऑयल बहुत अच्छे से रोज प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। हमने रिसेंटली फ्लावरिंग प्लांट वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अगर आप इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम आगे ऐसे वीडियो बनाते रहें। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द रेड बटन, जो कि हमारी कम्युनिटी को हेल्प करेगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।